अस्सलाम वालेकुम गाइस, ठीक हो सारे? स्टे एट होम एंड स्टे फिट और अपने आप को बिजी रखो, प्रैक्टिस करते रहो। इसका जो भी पैशन है वो स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते रहे जितना भी हो सके, लेकिन घर में ही करो, घर के बाहर नहीं निकलना है। ओके, लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप घर में रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, बाहर मत जाओ। और मुझे एक मैसेज देनी है यहाँ पे। एक्चुअली आज एक ट्रेंड सा बन गया है, फ्रेंड्स को बुलाओ दूर दूर, जहां भी फ्रेंड्स रहते हैं उनको बुलाओ, ट्रैकिंग के लिए जाओ, 15-15 लड़के, 20-20 लड़के, लेकिन उसे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहते। आपको एक दूसरे से दूर रहना है, जितना भी हो सके इस टाइम घर में रहना है, तो उससे गलत मैसेज जाती है। नो डाउट कि ट्रैकिंग एक अच्छी चीज है, लेकिन इसमें इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे इलाकों से लड़के, तो वो खुदा न खास्ता कभी रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि कुछ इलाकों में कोरोना हो गया है, कुछ में नहीं हो गया है। तो आप थोड़ा इस टाइम डिस्टेंस रखिए। नो डाउट सभी अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, तो मिलना भी चाहते हैं, तो मगर ऐसे नहीं, आप इस टाइम वीडियो कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, जितना भी आपसे हो सके अपना घर में रहो। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे, जो हमारे आइकॉन है कश्मीर के, सारे जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड प्लेयर्स है, वो मीडिया पे आए और शेयर करें एक्सपीरियंस जो भी वो घर में सिखा सकते हैं, घर में करने के लिए वो लोगों को सिखाए, जिससे सारे स्पोर्ट्स पर्सन अपने घर में ही करते रहे। कोई फिटनेस का के बारे में सिखाइए, कोई किसी और किसी चीज के बारे में सिखाइए, तो वो सबसे बेस्ट है, घर में रहना सबसे बेस्ट है, बाहर नहीं जाना है। अपने घर में ही रहना है, अपने आप को बिजी रखना है, जैसे भी हो सके आप अपने आप को बिजी रखिए।